नमस्कार दोस्तों, लीगल ईगल चैनल में मैं राहुल ज़ैफ आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको अनछुआ रखा गया है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो मेंटेनेंस के लॉ हैं इनको जेंडर बायस मान लिया जाता है, यानी एक तरफ किसी लिंक पे झुकाव दिखाया जाता है जबकि ऐसा नहीं है। मैं इसमें सबसे बड़ी कमी मानता हूं आपके अवेयरनेस की, आपके नॉलेज की, कि आपको ये चीज़ पता होते हुए भी आप इसको दरकिनार करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध में मैं जीता तो लोग मुझे ही जीता हुआ कहेंगे, युद्ध में मैं हारा तो लोग मुझे ही हारा हुआ कहेंगे। यानी कुल मिला के बात क्या है कि ये खेल हार और जीत का है और जो भी ठीकरा फूटना है वो आपके सिर फूटना है और जो भी मुकुट लगना है वो आपके सिर ही लगेगा अगर आप जीते तो। देखिए दोस्तों, केस लड़ने के तरीके पैदा कीजिए और जो हमारे वीडियोस हैं इनसे बेनिफिट लीजिए। आज मैं फिर एक बहुत शानदार सॉल्यूशन आपको देना चाहता हूं जो अभी तक आपने कहीं देखा सुना नहीं होगा। इस सॉल्यूशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि असल में जेंडर बायस हमारा लॉ नहीं है। इस चीज़ को बारीकी से आज इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे और उस जेंडर बायसनेस से आप बकायदा अपने आप को बचा सकते हैं इन्हीं मेंटेनेंस के लॉज के थ्रू, जिसके अंदर एक नया प्रॉपर कानून जो है आपको सपोर्ट करेगा। इसमें एक जजमेंट भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी आपको बेनिफिट देगा जो 2020 में आया है। दोस्तों, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, आप अपने आप को चार्ज करने के लिए यानी अपडेट करने के लिए, नॉलेजेबल करने के लिए हमारे कोर्सेज पर ज़रा एक बार गौर करें। हम क्रैश कोर्स चलाते हैं जो प्री रिकॉर्डेड वर्जन्स के फॉर्म में होता है और इन क्रैश कोर्सेज के थ्रू आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। बस यहाँ पर हमारा और हमारी टीम का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होता, ये प्री रिकॉर्डेड वर्जन्स हैं। अगर डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए फिर आपको आना पड़ता है हमारे मेन कोर्सेज के अंदर। मेन कोर्सेज में आपके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा कोर्स जो है आपके केस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं इंडिविजुअली आपके केस के लिए, और उसके अंदर फिर हमारी टीम जब तक थ्रू आउट आपका केस चलता है वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से गाइडलाइंस देती रहती है। अगर आपको इंस्टेंट कोई रिलीफ चाहिए, अभी हाल फिलहाल में आपको कोई कानूनी सलाह चाहिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर तीनों सर्विसेज के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात भी कर सकते हैं, पर इन सब के लिए आपको सिर्फ मैसेज भेजना है, कॉल नहीं करना। कॉल हम पिक नहीं करते, नहीं उठाते। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। देखिए दोस्तों, असल में अगर लॉ को सही तरीके से समझा जाए तो हमारे संविधान में जो इक्वालिटी का लॉ है, यानी कि सबको एक समान रूप से देखे जाने का एक कानून है, कोई भी कानून की नज़र में अलग नहीं है, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, लिंग भेद आधारित नहीं है, तो उसी को आधार बनाकर आप दो पैटर्न लेकर चलिए। पहली चीज़ यह है कि औरत ना तो आदमी से ऊपर है और ना आदमी के नीचे है, दोनों बराबर हैं। लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, दोनों के साथ इक्वालिटी वाला रिलेशनशिप कानून के अंदर माना जाएगा। तो इस आधार पर आपको ये समझना है कि मेंटेनेंस जब ले रही है पत्नी तो उस वक्त भी आपको ये चीज़ साबित करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप ये दिखा सकें कोर्ट को कि यहाँ पर किसी तरह का लिंग भेद नहीं है। समझ रहे हैं? अब कैसे? देखिए, अभी 2020 में जो कानून पहले से संपत्ति के आधार पर बना हुआ था उस कानून को ध्यान में रखते हुए एक नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी कि जो बेटी है वो उसका हक ले सकती है अपनी पैतृक संपत्ति में से, चाहे उसकी शादी हो गई हो तब भी। तो उस स्थिति में कोई भी भाई उसका हक दबा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा बांट सके। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक औरत जब मेंटेनेंस मांगती है तो क्या वो किसी भी तरह से न्याय संगत है जब वो कमा रही है या फिर वो किसी तरह से कमाने में सक्षम है? इस वर्ड को याद रखिए। आपको असल में कोर्ट को सिर्फ ये जस्टिफाई करना होता है कि महिला जो मेरी पत्नी है, जो मेरे खिलाफ केस लड़ रही है मेंटेनेंस का, वो सक्षम है कमाने में,
उसकी असक्षमता जो वो यहाँ पे जाहिर कर रही है उसको मैं साबित कर सकता हूँ कि वो सक्षम है। मान लीजिए आपके पास डिग्री भी नहीं है, अपनी वीवी के बारे में कोई जानकारी डिग्रियों की नहीं है, ना आपके पास उसकी प्रीवियस किसी जॉब का कोई पुराना डेटा या रिकॉर्ड है, या फिर किसी भी तरह से आप ये समझा सकें कि वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है, वो सक्षम है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो ये है जो हर महिला के साथ मिलेगी ही मिलेगी कि उसकी पैतृक संपत्ति का अधिकार तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप केस को इस मोड पर लेकर आइए, पैतृक संपत्ति के आधार पर आज अगर उसके पिताजी जिंदा भी हैं तो कुछ वक्त बाद तो वो संपत्ति उन्हीं की रहेगी। आज भी वो आपको छोड़ने के बाद वहीं निवास कर रही है, इसका मतलब वहाँ उसका अधिकार है, मानते हैं उसके माता पिता, इसलिए वो वहाँ रह रही है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जोड़ते हैं तो उसके अंदर यही होता है कि फ़ायदा कि आप उसे सक्षम दिखा सकते हैं। सक्षम दिखाने का ये जो तरीका है, हो सकता है किसी को अजीब लगे, नायाब नहीं लगे, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आए किसी को, पर ये तरीका शानदार है, इसको समझाने की देर है कोर्ट को, सक्षमता जाहिर हो रही है। दूसरी चीज़, इसका एक जो काउंटर है वो ज़्यादातर कई वकील इस तरह से यूज़ करते हैं लड़की पक्ष की तरफ से कि देखिए साहब, ये तो अपनी खुशी से इसको गिफ्ट कर रही है अपने भाइयों को या अपने फादर मदर को, या फिर ये त्याग रही है संपत्ति को, इसको नहीं चाहिए। तब भी ये दाव आप अपने पक्ष में ले सकते हैं। कैसे? कि आप ये बताइए कि देखिए साहब, ये इतनी सक्षम है कि ये दान करके भी खुश है, और दूसरा इसका मैटर ये है कि ये कहीं ना कहीं इस तरह से मुझसे ही सब कुछ लेना चाहती है, अपने पैतृक संपत्ति में से नहीं लेना चाहती, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक्सटॉर्ट करना चाह रही है, अपनी सक्षमता को सिर्फ इसलिए त्यागना चाहती है कि मुझे किसी तरह से प्रताड़ित कर सके, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से मुझे प्रताड़ित कर सके। तो इस सारी समस्या का जो जड़ है उसको आप निकाल कर कोर्ट के सामने पेश करिए, आपको शर्त या इस संपत्ति के अधिकार के कानून का जो फायदा महिलाओं को मिलता है वो आप अपने मेंटेनेंस केस में भी ले सकते हैं। आपके वकील साहब जो हैं वो अक्सर इस तरह के कई बार आपकी पिटीशन में डिटेल्स भी डालते हैं, पर वो कहानी जैसा लगता है, कारण कि आप वहाँ कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं देते। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ क्या होता है कि आप अपने ससुर साहब के नाम की कोई संपत्ति जो है उसको लेकर वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर उसका एविडेंस तो एटलीस्ट कहीं भाग दौड़ करके लेके आइए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या फिर कोई अथॉरिटी जहां पर इस तरह का, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आजकल संपत्तियां जो हैं, अभी नोटबंदी के बाद जब ये बात कही गई थी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कि बेनामी संपत्ति कानून लाया जाएगा, तब ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज थी उनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया था। तो आपको आसानी से ये डिटेल्स निकलवाना आसान है, RTA के थ्रू निकलवा सकते हैं, और भी कई तरीके हैं सर्टिफाइड कॉपी के रूप में। मुद्दे की बात यह है कि इस सारी पचड़े में जो आपकी पत्नी है उसका एक पेच फंस जाएगा। जैसे आप सामने ये वाला दाव खेलेंगे तो अपनी संपत्ति का वो त्याग नहीं करना चाहेगी जो उसके पिता से उसको मिलना चाहती है। हर औरत जो आपसे मेंटेनेंस के लालच में मरी जा रही है तो 5,000 रुपये का मेंटेनेंस नहीं छोड़ सकती वो झूठी औरत। तो वो कहीं ना कहीं, जब एक भाई और एक बहन भी अगर कम से कम एक रिश्ते में हैं तो उन दोनों में दरार डालने का सबसे बढ़िया मौका होता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को शक से देखने लग जाएंगे। अगर माता पिता इस बात की गारंटी भी देते हैं कि चलो अभी अपने भाई के नाम से इसको त्याग दे दो, बाद में ले लेना, तो इतनी ज़्यादा परिपक्व वो महिला तो होगी ही कि वो उस टाइम जो झूठा केस लड़ने के बहाने आपसे पैसा वसूलना चाहती है एलिमनी और झूठे मेंटेनेंस के नाम पर, तो वो क्या अपने भाई को बख्श देगी उस लालच में? नहीं बख्शेगी ना। पिता जो है उसके पास जो है संपत्ति हमेशा रहती है, आजकल मीडियम क्लास में 50 लाख से 1 करोड़ तक का मकान प्लॉट फ्लैट तो रहता ही है। तो अगर उसमें आधा हिस्सा उसका है तो वो औरत कभी भी इस चीज़ को नहीं छोड़ेगी, और ऐसी औरतों का अपने भाइयों पे भी विश्वास नहीं होता। यानी दोनों भाई बहनों में दरार डालना इस वक्त सबसे आसान रहता है। अब वो यहाँ फंसेगी, या तो वो मेंटेनेंस छोड़ेगी या फिर वो प्रॉपर्टी छोड़ेगी। अब उसको ये लगेगा कि 5,000 रुपये महीने के मेंटेनेंस में अगर वो कैलकुलेशन भी लगाती है, लेट से एक साल का 60,000 रुपये होता है, और अगर उसको मैक्सिमम साइड भी जोड़ा जाए तो 10,000 के हिसाब से 1,20,000 होता है, तो 10 साल में वो सिर्फ 12 लाख ले सकती है। पर 10 साल बाद जिस प्रॉपर्टी को छोड़ रही है, आज वो 50 लाख की है, कम से कम उस टाइम 1.5 करोड़ की हो सकती है। तो उस वक्त का हिस्सा छोड़ने में उसको फ़ायदा क्या है? यहाँ वो फंसेगी, और इस तरह से आपके लिए एक दाव ऐसा बैठ जाएगा कि उसके लिए
करो या मरो, जीने मरने वाली सिचुएशन हो जाएगी, जिसके अंदर उसको मेंटेनेंस छोड़ना ज्यादा लाजमी लगेगा बजाय इसके कि वो इतनी मोटी प्रॉपर्टी छोड़ दे। लालची महिलाओं का अंत नहीं है, इतना बड़ा त्याग बलिदान वो अपने परिवार के लिए भी नहीं करेगी। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियो बनाया है ये आपको एक ऐसे समाधान के लिए दिया है कि आप सोच नहीं सकते कि मेंटेनेंस का कितना बड़ा फायदा आपको मिल सकता है अपने झूठे केस के अंदर से निकलने के लिए। आप किसी भी हालत में एंट्री मेंटेनेंस भी अपनी वाइफ को नहीं दें, इसी वजह से ये वीडियो बनाया गया है। अगर पत्नी को ये सक्षमता वाला जो वर्ड है इसको साबित करने के लिए आप चैलेंज कर देंगे तो वो सक्षम और असक्षम करते करते ही कोर्ट से बाहर हो जाएगी। आज इस वीडियो को पूरी तरह से आजमा लीजिए, आपके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, दाव तो लगा ही लीजिए, खेल सीधा जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए उन सभी भाइयों को जो आप ही की तरह मेंटेनेंस के इस झूठे केस से जूझ रहे हैं, झूठे नाटक से जूझ रहे हैं। और आप यहां पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं या फिर आते रहते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।